साफ नीयत से जनता के समक्ष गए कि हमने क्या विकास कार्य किया है और इसी के बलबूते है कि हम इतनी सीटें। आपको टोकना चाहूंगा हवा महल क्षेत्र में, शेखावत जी आपको टोकना चाहूंगा, आपने विकास कार्यों की बात की, क्या ये विकास कार्य वही हैं कि बड़ी चौपड़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़े थे उन्हें पुनर्स्थापित किया था, क्या उन्हीं विकास कार्यों की वजह से आज इस हार को देखना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, देखो कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप जो विकास के हम कार्य करते हैं, जहां तक मेट्रो की जरूरत की बात आती है, जो कांग्रेस के राज के अंदर आप यदि फेज वन का बी पार्ट था जो आप चांदपुर से लेकर के आपका छोटी चौपड़ तक जा रहा था उसको बनाने में था, उसमें हमने मिंदरों को, हमने उसके अंदर जितने भी मृत्यु विधान के होते हैं उस विधान के तहत उनको मिंदरों को शिफ्ट करने का कार्य किया गया है, जहां पर कुछ लोगों को उसमें हो सकता था कि इसमें उनका आस्था की बात आती थी तो हमने उनको समाधान करने की पूरी कोशिश करी है। जहां तक हवा महल की बात आती है तो हवा महल का कई कारण हो सकते हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि क्यों चुनाव के हमारा क्यों जीता, इस पर हम इसका आगे जो हमारी आएगी जो मीटिंग करेंगे जो शीर्ष नेतृत्व करेगा वो तय करेगा कि किस कारण से जो फीडबैक आएंगी उससे तय किया जाएगा कि किस कारण से हम हवा महल सीट को हम लॉस में गए, हम किस प्रकार से इसको हम हार चुके हैं, कितने वोटों से आ रहे हैं, किस बूथ से आ रहे हैं और किस क्षेत्र से हारे हैं, वो सारा उसका आकलन किया जाएगा। मेहता साहब आपसे जानना चाहूंगा, हवा महल सीट में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गढ़ मानी गई हमेशा भाजपा की, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों की वजह से आप लोग ये सीट निकाल ले गए, कितना सहमत हैं आप? सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, सभी लोग वोट देते हैं और लोकतंत्र में आप सहमत नहीं है। महेश जोशी सिर्फ 7,079 वोटों से जीते हैं। मेहता साहब 7,079 फिगर है महेश जोशी की जीत का। निवेदन करना चाहूंगा सर, ये जो जयपुर की सीट निकली है और जयपुर शहर में भी और पूरे राजस्थान की भी बात करेंगे हवा महल के अलावा भी, आप ये देखिएगा ये रात की सरकार है, रात को जीएसटी लागू हो जाती है, रात को नोटबंदी लागू हो जाती है, भाई साहब आते और कहते हैं कि 500 और 1,000 का नोट बंद, रात को पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं, जनता इतनी कंफ्यूज है, व्यापारी इतने कंफ्यूज है और उसका असर आम आदमी के ऊपर भी पड़ा है और हर आदमी परेशान है, इसलिए ये मिश्रित जनादेश है, हर आदमी की परेशानी का वोट कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस को आशा की किरण के रूप में देखा है, रात को कोई फैसले दिए दिन की सरकार नहीं है, बीजेपी पूरी रात की सरकार है, काली रात दिखती है उनको और इनकी सभाओं में कहीं भी जाओ, वसुंधरा जी की सभाओं में कोई भी आदमी काला रंग का कपड़ा पहन के नहीं जा सकता था, पहली बार आजादी के बाद ऐसा देखा कि लोगों के कपड़े उतरवा के रख दिए, ऐसा कांग्रेस की कोई भी मीटिंग हो कोई भी कलर का कपड़ा पहन के आओ चलेगा, लेकिन बीजेपी की मीटिंग में जाओ तो काला मोजा नहीं चलेगा, काला रंग का रुमाल नहीं चलेगा, काला चश्मा नहीं चलेगा, काला रुमाल काले रंग का टी शर्ट नहीं चलेगा, लोगों के कपड़े उतरवाते हुए आपने फोटो कई बार मीडिया में भी बताए, ऐसा काला कानून इन्होंने पास किया कि आज जनता ने इनको मतलब एकदम काले अंधेरे में बैठा दिया और राजस्थान को एक आशा की किरण के रूप में कांग्रेस को देखा और वोट दिए। मेहता साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं, जनता बहुत नाराज थी, आशा की किरण आप में नजर आई, कांग्रेस में नजर आई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खुद को हेलोजन लाइट मानकर आशा की किरण बहुत बड़ा स्रोत बन रही थी, लेकिन जनता को 25 वाट का बल्ब दिखा क्योंकि आपको कोई बहुत बड़ी मेजोरिटी मिलती नजर नहीं आ रही है। आप तक मेरी आवाज आ रही है मेहता साहब? कट गया क्या? चलिए इस बीच में आपको बताऊं कि प्रदेश में लगातार जो नतीजे हैं वो सामने आते जा रहे हैं। कोटा उत्तर की इस वक्त बड़ी खबर है, 13 राउंड पूरे, 4 पर और अभी मतगणना होनी है। वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा हैं वो जीत चुके हैं, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बड़ी खबर है, जौहरीलाल मीणा ने ये सीट जीत ली है। क्या नाम है? वहीं अगर बात करें कोटा विधानसभा की तो कोटा उत्तर से शांति धारीवाल आगे चल रहे हैं और वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा जीत चुके हैं। शांति धारीवाल की जीत लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि 3 या 4 राउंड अब मुश्किल से बचे हैं, इसमें इतनी बड़ी लीड को कवर करना किसी भी विरोधी के लिए मुश्किल है। कहा जा रहा था कि प्रहलाद गुंजल के लिए मुकाबला कठिन होगा, लेकिन शांति धारीवाल ने अपनी छवि और विगत जो गहलोत मंत्रिमंडल में जब वो यूडीएच मंत्री थे जो उन्होंने काम किए थे उसके बलबूते ये बड़ी जीत दर्ज की है। आप देख सकते हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा जो हैं वो जीत चुके हैं और वहीं शांति धारीवाल कोटा उत्तर से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।
हैं इस बार कि क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो मोदी लहर थी इस बार काम नहीं आया, साथ में योगी आदित्यनाथ की लगातार ताबड़तोड़ 27 रैलियां की गई पूरे राजस्थान में, उसके बावजूद ऐसे आंकड़े आए हैं, इतनी निराशा लोगों में क्यों हुई? मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या था, लोग इतना परिवर्तन चाहते थे क्या कि मोदी लहर काम ना आया? देखो कि सबसे पहले बात आती है, पांच राज्य थे, पांच राज्य के अंदर एक मिजोरम में देखे तो कांग्रेस वहां पर कुछ मतलब नहीं है, क्या हो रहा, कुछ सारा खत्म काम हो गया। दूसरा मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में राजस्थान की के अपेक्षा आप देखेंगे तो तीसरी बार तो गवर्नमेंट जो बनी हुई थी उसकी चौथी बार गवर्नमेंट है जो भाजपा की बनने जा रही है वहां पर के। राजस्थान की बात आती है और आप केंद्रीय मुद्दों की बात आती है, क्या मोदी का जादू क्या खत्म हुआ नहीं हुआ, हम इस चीज में विश्वास नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि विकास क्या होता है। जहां तक नोटबंदी की बात आती है, जीएसटी की बात आती है, कितने राज्यों के चुनाव हुए वो परीक्षा के अंदर सफल हो पाया है और राज्य जीते हैं हमने, जो इसी का ताजा उदाहरण आपका यूपी का चुनाव जिसमें 325 सीटें हमारी आई है। तो मतलब ये है कि जीएसटी और नोटबंदी का यदि कांग्रेस इसको झुंझुने के रूप में अपना इस्तेमाल करना चाहती है तो वो क्यों ये जहां पर व्यापारी की बात आती है तो व्यापारी क्या बताऊं, गुजरात के व्यापारी सूरतगढ़ के व्यापारी थे जो इन्होंने कहा कि किस प्रकार से करें, लेकिन सूरत के व्यापारियों को देखिए भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से झोली के अंदर जितने के जितने सीटें थी सारी सीटें देने का काम करा और इसमें आप देखिए कि सारे साधन खत्म हो गए। आप एमपी अशोक जी मेहता सर मैं लौटती हूँ आपके पास आऊंगी, मेहता जी मैं आपको मौका दूंगी। अशोक जी मेरा सवाल आपसे है, आप एमपी की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, इस बार एमपी और राजस्थान को लेकर डबल एंटी इनकम्बेंसी आंका जा रहा है, मतलब एमपी में भी और राजस्थान में भी। देखो कि एमपी में आप बात करेंगे, एमपी में हम 3 साल 15 साल से सत्ता के अंदर हैं, तो कोई ना कोई विकास के हमने पैमाने फिक्स किए हैं, जो जनता तक पहुंचे हैं उसकी डिलीवरी हमने दी है। तब हम 15 साल तक सत्ता के अंदर हमने राज किया है, जो जनता ने हमें वोट दिया है और उनके वोटों को हमने एक तरह से ये देखिए कि उसकी डिलीवरी देने का काम किया है। और जो एक इस प्रकार से नहीं है कि आप 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी है, हम राजस्थान में हम जनता के समक्ष ये आए कि आप हमें दीजिए, जो कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं को हमने आगे ले जाने की कोशिश किया है, उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं किया है। उसके अलावा और भी हमने 22 संहिता लग रही थी मैडम, तब आप इनको पूछिए, राजस्थान में 14 डिपार्टमेंटों की हड़ताल थी आचार संहिता, आज की आप लोग कहां गए थे वहां पर? जनता ने देखो हड़ताल की बात बताऊं, 2013 के अंदर सरकारी कर्मचारी जितने भी हड़ताल कर रहे थे वो सारे के सारे कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे और इन लोगों ने रोडवेज को की बात कर रहे हैं, रोडवेज के अंदर 250 करोड़ का काम देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और रोडवेज को घाटे में किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की ऐसी नीतियां थी कि उसकी उनके सारे की सारी आप रोडवेज को घाटे में दे दिया। तो हमने जनता को यह बताने की कोशिश की थी कि आप हमें वोट दीजिए लेकिन हम आपके लिए क्या क्या काम करेंगे। कर्मचारियों को 7th पे कमीशन किसने दिया? 7th पे कमीशन दिया 1 जनवरी 2016 से दिया, जो इनका सितंबर 2006 से लागू था पिछले वाला 6th पे कमीशन। मतलब हमने हर चीज देने की कोशिश करी है। मेहता जी बोलने से कुछ नहीं होगा, आप मुद्दे की बात कीजिए। आपने नोटबंदी का बात कहा, आप 3500 किसान कर्नाटक में हत्या करते हैं, जो इनके इनके खुद के जो आज सीएम बन के बैठे हैं जिनको इन्होंने समर्थन किया है वो कह रहे थे। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से ये किसानों का मुद्दा मना रहे हैं, जो कह रहे थे हमें 140 सीटें मिलेगी, हमें 150 सीटें मिलेगी, आपको बहुमत तक नहीं मिल रहा है, आप सोच से नीचे आ रहे हैं, आप इसमें नहीं देख रहे, आप सोच से नीचे आ रहे हैं, बीजेपी आपके 80 से 90 आ रही है, आप सोच से नीचे क्यों आ रहे हैं? अशोक जी मेहता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको लगातार न्यूज इंडिया अपडेट्स दे रहा है कि पूरे राजस्थान में कौन से जिले से कौन से राज्य क्षेत्र से कौन सी पार्टी आगे चल रही है, तो इस पूरे तमाम राजस्थान के अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं हूं तुम्हारी सबसे नजदीकी साथी पृथ्वी।
तुमने ही मुझे मातृभूमि, रत्नगर्भा, धरती माता जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे नामों से पुकारा है। तुम सबकी जन्मदात्री, जीवनदायिनी मैं ही हूँ। मैं अनादिकाल से निस्वार्थ भाव से तुम्हें शरीर निर्माण कर देती रही हूँ, फिर नाना प्रकार के पदार्थों से इस शरीर की पालना करती रही हूँ।